नमस्कार आदाब, मैं लालू मशेख पब्लिक न्यूज चैनल से। आज अब्दुल कलाम आजाद की बरसी थी और ये बहुत बड़ी एक हस्ती थी। जैसे आप जानते हो कि अब्दुल कलाम आजाद जो है एक हिंदुस्तान का एक मतलब एक नगीना कहा जाए, एक टॉप लेवल पे एक उनका मतलब एक बहुत कांग्रेस के अंदर मतलब एक बहुत बड़ा रोल था उनका। और आज यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया है मुमरा किस्मत कॉलोनी के अंदर, तो हमारे माइनॉरिटी के अनीस कुरैशी साहब जो कोकण डिवीजन के अध्यक्ष हैं आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। हम उसी मुद्दे पे कुछ उनसे सवाल करते हैं कि अनीस भाई बताइए कि आप जो है आज आए यहाँ पर और आपने बरसी मनाया है, उनको याद किया है, तो आपको मतलब आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ये शख्सियत आज मुसलमानों के लिए एक रोल मॉडल की तरह पूरे भारत देश के लिए है। इनकी कुर्बानियों को हमेशा सिर्फ कांग्रेस ही नहीं तमाम भारतीय याद करते हैं। मौलाना आजाद ही वो शख्सियत है और कहीं ना कहीं ये उन्हीं की वजह है, उन्हीं की वजह से जो इतनी बड़ी तादाद में आज हिंदुस्तान में जो मुसलमान हमें दिखाई देता है, जो पाकिस्तान से भी ज़्यादा बड़ी तादाद में मुसलमान रह रहा है, तो उसमें अहम रोल मौलाना आज़ाद साहब का ही। आपने अपनी जिंदगी में कलम के जोर पर, अखबार के जोर पर और कई खिलाफत मूवमेंट जैसे कई मूवमेंट के जरिए ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से निकाला, उसके बाद कांग्रेस के सदर भी रहे और बढ़ चढ़कर आंदोलन आज़ादी में हिस्सा लिया। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लीडरों को याद करें। आज उनकी यौम वफात का दिन था। जैसे कि आप जानते हो कि अगर हम अपने बुजुर्गों को याद नहीं करेंगे तो लोग हमारा इतिहास जो आज भुलाने का काम कर रहे हैं, मिटाने का काम कर रहे हैं, छुपाने का काम कर रहे हैं, वो पूरी तरह कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि देख लिया आपने कि अनीस कुरैशी साहब का ये ख्याल बहुत अच्छा है कि हमारे बुजुर्गों की याद जो है आज ये हमारे भले सिस्टम में है या नहीं है, लेकिन हमको ये करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारे ये बुजुर्ग जो है हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश के लिए बहुत अपना खून और पसीना, अपनी जिंदगी पूरी गंवा दी है। उनको याद करेंगे तो हमारे बच्चे भी इनको जानेंगे और हमारी हिस्ट्री भी रहेगी कहीं ना कहीं कि हाँ ये है। और कुछ सवाल आपसे और है कि अभी अभी हाल ही में जो है एक आतंकवादी हमला हुआ है, एक बड़ा जो पुलवामा में, उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं देश के जवानों को, जो जिनके घर बेघर हो गए हैं और जिनके बच्चे यतीम हो गए हैं, उनसे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बड़ी बेहद दुखद घटना पुलवामा का, जो कश्मीर के अंदर पुलवामा अटैक हुआ, हमारे देश के 40 से भी ज़्यादा जवान जो शहीद हुए, आज मैं समझ सकता हूँ कि उनके घर वालों पे क्या बीत रही होगी। और जैसा कि आप जानते हो कि सभी पार्टी का उसके लिए पूरे देश में संदेश भी दिया कि हम उस पर कोई सियासत नहीं करना चाहते, मगर उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि भाजपा के नेता अपनी राजनीति करने से बात नहीं आ रहे। आज पुलवामा अटैक आज पूरी तरह से ये सरकार की नपुंसकता और फेलियर दर्शाती है। फेलियर होने के बावजूद भी पत्रकारों के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि जिस वक्त ये घटना घटी तो उस वक्त और उसके कुछ अरसे के बाद भी तकरीबन 6:30-7 बजे तक, क्योंकि घटना कुछ 3 बजे के दरमियान की, उस दौरान की घटना थी और लोगों को पता चल गया था, सारी पार्टियों की प्रतिक्रिया आ रही थी और प्रधानमंत्री जी कितने गंभीर हैं ये आरोप पत्रकारों ने लगाया। उस माध्यम से सुनने को तो बड़ी हैरत होती है कि ऐसे लोग जो देशभक्ति की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों के हाथ में देश है जो अपने फिल्म की शूट कर रहे थे, तो कितने सीरियस है इस मुद्दे पे ये समझना होगा हमें। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है उनकी ये झूठी देशभक्ति को, और जनता को भी समझना होगा। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने सुन लिया कि वाकई जो है आज कांग्रेस पार्टी जो है काफी मतलब ये कर रही है कि हाँ भाई देखो, और सच है ये, क्योंकि जब मोदी जी की सरकार नहीं थी तो मोदी जी ने मनमोहन सिंह से बहुत अहम सवाल किया था कि ये आतंकवादी आते कहाँ से है, इनके पास बारूद कहाँ से आता है, इनके पास गोलियां कहाँ से आती है, इनके पास सामान कहाँ से आता है। ये हमारे पास एक फिल्म भी है उनकी और हम वो फिल्म भी आपको दिखाना चाहते हैं। जब उस वक्त वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस टाइम का उनका बयान है, वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं जो हमारे मनमोहन सरकार से। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है।
और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है, सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठिए आते हैं, घुसपैठिए आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुट जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है, कोई भी अगर टेलीफोन पर बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? मैंने पांचवा सवाल उनको पूछा कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिन्दुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिन्दुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है, आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है? एक बार इन पांचों चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जड़ मूल से उखड़ जाएगा, राज्यों के अधिकार हथिया करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। तो आज आपकी भी सरकार है और आपके हाथ में भी हर एक चीज वो है जो कानूनी कार्रवाई से आप हर चीज को, बॉर्डर भी आपके हाथ में है, आपके सिपाही भी आपके हैं। तो ये दुर्घटना कैसे घटी और किस तरीके से इसका अंजाम दिया गया, इसका जवाब हम आपसे, ये सरकार से हम मांग रहे हैं। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए नमस्कार।